यूनिवर्सिटी के शोभा होम इकोनॉमिक्स की जानिब से आर्ट कौंसिल में सालाना नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसे देखने के लिए खवातीन और बच्चों की एक बड़ी तादाद उमड़ आई। नुमाइश में टेक्सटाइल मसनूआत के अलावा डेकोरेशन पीसेस, खाने पीने की अशिया और होम गारमेंट्स सब कुछ तालबात ने बनाया था। समझा जाता है कि ये सिर्फ फील्ड जो है टेक्सटाइल लेवल तक ही है, वहाँ तक ही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे है कि नहीं, हम लोग खुद करते हैं और ये लड़कियों को भी आ सकते हैं। घरेलू सनत को ज्यादा से ज्यादा जो है हम लोगों ने प्रमोट किया है। कुछ स्पेसिफिक पेशेंट्स के लिए भी इसमें डाइट प्रिपेयर की है और न्यूट्रिशन वैल्यू को माइंड में रखते हुए हम लोगों ने डाइट प्रिपेयर की है। जैसे हम लोगों ने ये जैम जेलीज वगैरह बनाई है, इनमें डिफरेंट वेराइटी है। क्रोशिया से बनाए गए हैंडबैग, कुशन कवर, टेबल कवर्स और बेडशीट सबसे ज्यादा तवज्जो का मरकज रही। फूलों की सजावट के भी नित नए अंदाज मुतारफ करवाए गए। मिठाई, मशरूबात और जैम समेत खाने पीने की अशिया को बगैर फ्रीजर के महफूज बनाने के नुस्खे भी शामिल नुमाइश थे। जितना भी काम है स्टूडेंट्स ने किया है और ये पूरे साल का काम होता है, इसीलिए हमने आज ये एग्जीबिशन लगाई है ताकि ये अपने स्टूडेंट्स जो हैं अपने डिस्प्ले कर सकें प्रोजेक्ट्स। तालबात ने जिस सलीके से अपने फन पारे पेश किए, इसकी कोई भी दाद दिए बगैर ना रह सका। आर्ट कौंसिल में लगाई गई इस नुमाइश में पेश की गई ये तमाम चीजें इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। कैमरामैन आबिद मिनास के साथ मोहम्मद शहरोज़ इबाद, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद।